Hey guys, welcome back to my YouTube channel. तो आज मैंने शॉपिंग की कुछ शादी के लिए कुछ ऐसे भी खरीद मार्केट से और कुछ की मैंने टेबिडो से तो और से भी तो मैं दिखाती हूँ आपको. पहले मैं दिखाती हूँ अपनी इयर रिंग कलेक्शन आपको जो मैंने अभी जस्ट अभी परचेज किए हैं. तो ये देखिए मैंने ली है साड़ी के साथ ये इयर रिंग जो कि बहुत ही प्यारे हैं. और एक ये मैंने ये वाले वेस्टर्न वियर्स के साथ और ये भी लिए अभी. ये भी बहुत प्यारे हैं पर्ल्स. आजकल पर्ल्स का ट्रेंड चल रहा है ना. मैंने पर्ल्स वाले इयर रिंग लिए हैं और फिर एक और लिए मैंने वाइट कलर के. ये भी बहुत क्यूट हैं. ऐसे मेरे पास थे बट वो एक गुम हो गया उसका तो फिर मैंने फिर से ऐसे ले लिया. उसका कुछ पैटर्न अलग था बस ये थोड़े राउंड शेप में है. और ये मेरे फेवरेट साड़ी के साथ ही है. मैंने मुझे शादी में जाना है तो मैंने साड़ी के साथ ही वाले इयर रिंग लिए. तो ये लिए मैंने सेवन फेज में एक अंकल होते हैं उनसे. बहुत ही प्यारी कलेक्शन थी उनके पास तो मुझे तो बहुत पसंद आए और उनके रेट्स भी बहुत जेन्युइन है और जगह के अकॉर्डिंगली. तो उसके बाद मैंने ये लिए बैंगल्स बहुत ही प्यारे प्यारे पहन के दिखाती हूँ. एथनिक्स के साथ बहुत प्यारे लगेंगे. अच्छे लग रहे हैं ना. हाँ बहुत है. और ये सब दिखाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ये वाले परचेज. ये लिया है मैंने वेलवेट का दुपट्टा जो कि मैं साड़ी के साथ लेने वाली हूँ शादी में. बहुत ही प्यारा दुपट्टा है. आजकल इसका बहुत ट्रेंड चल रहा है तो आई डोंट नो मैच करेगा कि नहीं बट मैंने कोशिश की वहाँ पे मैचिंग लेने की. फिर उनके पास कलर्स भी नहीं थे तो विंटर जाने वाली है थोड़े टाइम में तो अभी इतना स्टफ नहीं बचता है तो मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ ऐसे ही. इसके साथ तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा बट क्यूट है. स्मार्ट पीस है तो नहीं क्लासिक पीस है. बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे ये. तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप कैसा लग रहा था ये. मैं फिर आपको पूरा लुक बताऊँगी बाद में जब मैं शादी के लिए जाऊँगी. तो ये देखिए पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है इतना प्यारा. पूरी एम्ब्रॉयडरी है इस पर पूरे दुपट्टे पे. इस पर डिज़ाइन भी थे और कलर बहुत कम थे उनके पास. ये भी मैंने आज स्कर्ट ली है. बहुत ही प्यारी स्कर्ट है. अच्छी लगेगी वैसे है ना पंकी. लॉन्ग स्कर्ट है. मुझे इसका कलर बहुत पसंद आया मस्टर्ड कलर. हाँ मस्टर्ड कलर बहुत प्यारा है. और मैंने पहली बार इतनी लॉन्ग स्कर्ट ली है. वुलन में है ये. मुझे वुलन के स्टॉफ में स्कर्ट्स वगैरह बहुत अच्छी लगती हैं. बहुत प्यारी है. कलर भी बहुत अच्छा है इसका. बहुत ही प्यारे हैं प्लेन में बिल्कुल. मम्मी ने लिए हैं ये वाले तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे. ये चीप 19 से लिए हैं. और ये वाले देखिए ये वाले सैंडल्स देखिए. मैं इनको एक बार पहन चुकी हूँ तो थोड़ी सी वो दिखेंगी क्योंकि मुझे टाइम नहीं लगा रिव्यू करने का. ये अप्रॉक्सीमेटली है इतनी ऊंची अप्रॉक्सीमेटली 6 inches होंगी ना पंखी है या मोर देन दैट. तो बहुत ही ऊंची है पर बहुत कंफर्टेबल है. तो ये भी चीप 19 से ली है मैंने. तो बहुत प्यारी है. मम्मी ने दिलाई थी मुझे. मम्मी के साथ साथ मम्मी ने मुझे भी दिला दी. इतनी प्यारी लगी थी पर जब मैंने पहनी थी अपनी ड्रेस के साथ और अब पहनूंगी मैं शादी में इनको. होपफुल मैं थकूँ ना. मैं एक और कैरी करके जाऊँगी वहाँ ये हिल्स. तो यही था आज का मेरा रिव्यू. और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा और मेरी वीडियोस देखते रहिएगा.